सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट के जो दो वीडियो मैंने अपलोड करे हैं YouTube के ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स उसके ऊपर आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिपेंडेंट टीवी ने 2 जुलाई का डेट दिया था कि 2 जुलाई के बाद आपके टीवी को चलाने की संभावना है, उसके बाद हम टीवी आपका चला देंगे। लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक था उसका मैंने पूरा का पूरा जो भी डिटेल था वो मैंने आपको पीछे के वीडियो में दे रखा है। आप आई लिंक में जाके वहाँ देख सकते हैं कि किस लिए इन्होंने बोला कि 2 जुलाई के बाद आप टीवी देख सकते हैं। आज की तारीख हो गई 3 जुलाई, इसको 3 जुलाई को अभी तक शाम तक कोई भी इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट टीवी ने अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं किया है, ना ही आज ट्वीट किया इन्होंने कोई। कल इन्होंने एक ट्वीट किया था पेसिमिस्ट वाला, उसके बाद कोई ट्वीट भी नहीं आया है। इन दिनों को चेक करने के बाद मैं रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहा था ट्विटर की साइट को कि भैया क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो 2 जुलाई को जो भी केस का मैटर हुआ कोर्ट के अंदर उसके बारे में मैं बताने के लिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी कोर्ट में कहा गया इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से और अंतरिक्ष की तरफ से उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ काफी ऑथेंटिक सोर्सेज से दे रहा हूँ और ट्विटर की साइट से दे रहा हूँ, तो यही सच्चाई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सिग्नल को डिस्टॉर्ट करके और कहते हैं कि ये वाले चैनल आपके टीवी पे चल जाएंगे, तो आप उन लोगों से बचिए। अगर आपने अभी तक अपना टीवी चेंज नहीं किया है, अगर आपने टीवी में बदलाव नहीं किया है, तो कोशिश कीजिए कि उनके सिग्नल्स को ना डालें। वो कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है आपका। जब तक सेटअप बॉक्स चेंज नहीं होगा, सिग्नल का जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा, तब तक आपके टीवी पे कुछ नहीं आने वाला है। तो आप उन सब चीज़ से बचिए, गलत तरीके का इन्फॉर्मेशन डाल के अपने टीवी को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। कि काफी लोगों ने चेंज कर दिया है, मैं भी अब जल्दी चेंज करने वाला हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देना जरूरी है कि बहुत लोगों का बहुत पैसा लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है कि क्या हुआ कोर्ट के अंदर। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको लिंक में दे दूंगा मैं कि कहाँ से आप जाके सारा का सारा डिटेल आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो भी वीडियोज मैंने इसके ऊपर बनाई है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो 2 जुलाई के ऑर्डर में क्या कहा गया है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट टीवी वर्सेस अंतरिक्ष कॉरपोरेशन करके आएगा। इसके अंदर जो पहले वाले केस लड़े गए थे वो सलमान खुर्शीद के द्वारा लड़ा गया था, जो कि 7 जून को लड़ा गया था। इसमें सलमान खुर्शीद जी का नाम कहीं से नहीं आ रहा है। इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो पूरा आपको पेज पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको मोटा मोटी चीजें बता देता हूँ। इसके अंदर ये बोला गया कि 7 जून को जो ऑर्डर दिया गया था ट्विटर के द्वारा कि 12 जून तक आपको पेमेंट करने थे 15 करोड़ रुपए के, तो जो वो पेमेंट नहीं होने के कारण जो है 12 जून से जो सिग्नल्स है उनको बंद कर दिया गया अंतरिक्ष के द्वारा, और जो 15 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी थी उसको इनकैश कर लिया गया क्योंकि जो ड्यूज थे वो लगभग 14.8 करोड़ थे। अब जो पेटिशनर है जो कि इंडिपेंडेंट टीवी है, उन्होंने ये बोला है और ये प्रे किया है कोर्ट के सामने कि अंतरिक्ष को ऐसा आदेश दिया जाए कि वो रिकनेक्ट करे हमारे सिग्नल्स को, और रिकनेक्ट करने के बाद लंबे टर्म तक हमारे साथ एग्रीमेंट करे। अब इसके पीछे उन्होंने ये लॉजिक दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से उन्हें लाइसेंस मिल गया है, इसलिए 31 दिसंबर 2019 तक कम से कम उनके साथ एग्रीमेंट कर ले। इसमें यह भी बताया गया है कि 6 जुलाई तक बोला गया था कि पिटिशनर जो है वो आपको जो भी बैंक गारंटी वगैरह है वो दे देगा, लेकिन उनके पास कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ है। एक दिन पहले उनके पास लेटर आया है रिस्पॉन्डेंट के द्वारा। अब अंतरिक्ष के द्वारा जो रिप्लाई दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि नेगोशिएशन और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने में समय लगेगा। इस बीच अगर रिस्पॉन्डेंट जो है मतलब पिटिशनर जो है वो अगर 5.83 करोड़ रुपए का जो ड्यूज है उसको क्लियर कर दे, अरियर्स जो है उसको क्लियर कर दे, और इसके अलावा 5 करोड़ रुपए का एक महीने के लिए वो अपना पहले पेमेंट कर देगी, 5 करोड़ रुपए आप एक महीने का एडवांस पेमेंट ले लें, उसके बाद वो सिग्नल्स को चालू कर देंगे। मतलब कि या फिर वो तो अरियर्स को पेमेंट करके 5 करोड़ का बैंक गारंटी दे दें या फिर 11 करोड़ का बैंक गारंटी उनको दे दे, तो वो जो भी सिग्नल है उसको स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि पिटिशनर को ऐसा बोला जाए कि वो बैंक गारंटी ही दे दे कि 3 महीने तक की कोई समस्या उनके पास ना रहे। अब इन सब दलियों को सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने ये बोला कि जो पिटिशनर है मतलब कि इंडिपेंडेंट टीवी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहा है, इसके कारण जो उनके सिग्नल से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, उसको फिर से शुरू करने के लिए जो ड्यूज है 5.83 करोड़ का उसको पे करना पड़ेगा और एक बैंक गारंटी देनी पड़ेगी 6 करोड़ रुपए की, या फिर एक 12 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी दे दो जो कि 2 महीने तक वैलिड हो। जैसे ही आप इसको पेमेंट करते हो मतलब कि जैसे ही आप 12 करोड़ का बैंक गारंटी दे दो या फिर 5.83 करोड़ पेमेंट कर दो और 6 करोड़ की बैंक गारंटी दे दो, उसके जस्ट बाद जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है मतलब कि अंतरिक्ष जो है
वो आपके सिग्नल्स को रिकनेक्ट कर देगा। सिग्नल के बारे में कहने के बाद माननीय कोर्ट के द्वारा एक और बात कही गई, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट टीवी ने ऐसा प्रेयर किया है जो कि मेन प्रेयर है, कि जो एग्रीमेंट उनका चल रहा है एनफ्लिक्स के साथ उसको लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए। लॉन्ग टर्म के करने के लिए जो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है इंडिपेंडेंट टीवी साथ साथ एनफ्लिक्स को, कि वो नेगोशिएशन करें और एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचे, कि कोर्ट उसके ऊपर आदेश दे सके और जैसे ही सिग्नल दिए जाते हैं उसके 4 हफ्तों के अंदर इस काम को पूरा कर लेना चाहिए उनको। अब इन सारी बातों के बाद जो माननीय कोर्ट ने कंक्लूड किया उसमें ये बोला है कि अगर लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट होता है तो इसको बिना कहे ये समझ लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट में फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती हैं उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है और उसके लिए आपको बार बार डिस्कनेक्शन वाला चक्कर फिर नहीं पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 मतलब कि अंतरिक्ष जो सेट टाइम है, मतलब कि 4 हफ्ते जब से सिग्नल आएंगे उस बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो वो एक एफिडेविट के द्वारा कोर्ट को बताए कि किस वजह से उन्होंने ये काम नहीं किया जो कोर्ट ने आदेश दिया था। तो दोस्तों ये मैटर अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त को रखा गया है। जो मेन करक्स निकल के आ रहा है 2 जुलाई 2019 के ऑर्डर का, वो ये है कि इंडिपेंडेंट टीवी को 12 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी है या फिर 5.8 करोड़ रुपीज का पेमेंट करना है और लगभग 6 करोड़ के आसपास की बैंक गारंटी देनी है, तभी जो है चैनल्स आएंगे हमारे टीवी के ऊपर जिनके पास भी इंडिपेंडेंट टीवी अभी भी लगा हुआ है, अदरवाइज नहीं आने वाले हैं। अगर इन्होंने पेमेंट कर दिया 11 करोड़ तो इसके 4 हफ्ते के अंदर उनका अपना एग्रीमेंट हो जाएगा। किस चीज़ का? वो एग्रीमेंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बाद जो दिक्कतें इतनी हैं वो कम आने लगेंगी हमारे लिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस सुनवाई के बाद इन्होंने इसमें पेमेंट के लिए बात नहीं करी है, तो मतलब कि 11 करोड़ का पेमेंट ये जल्द से जल्द करेंगे ऐसा अब लग रहा है। जैसे ही वो पेमेंट करेंगे उसके बाद ही इनके सिग्नल्स हमारे टीवी के ऊपर आ जाएंगे उसके 24 घंटे के अंदर ही। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर हमारे सिग्नल आ जाएं। अगर नहीं आते हैं मतलब कि इन्होंने जो 11 करोड़ के पेमेंट और 12 करोड़ के पेमेंट के बारे में कहा गया है वो इन्होंने नहीं किया है, अदरवाइज दूसरा कोई भी रीजन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज उनके लिए जो कि इंडिपेंडेंट टीवी में पैसा लगा के बैठे हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, जो कि जोनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन लोगों तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही थी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप किसी को भी जानते हैं जो कि इंडिपेंडेंट टीवी से कैसे भी जुड़ा हुआ है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि उनको पता चल सके हो क्या रहा है। इसके बाद आपको मैंने डिटेल में इतनी खबर बताई, पहली बार अगर देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लिया तो घंटी का बटन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा क्योंकि घंटी का बटन दबा है तभी आप तक ये मैसेज सबसे पहले आया है और सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।